हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारे टॉपिक का शीर्षक है G20 समिट। जैसा कि आप जानते हैं कि G20 समिट 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को रोम में, इटली में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। केवल रूस और चीन के राष्ट्रपति फिजिकली शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो वर्चुअल शामिल हुए थे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर से संबंधित है, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं आज शुरू करता हूँ कि हमारे जो लेक्चर का जो कंटूर होगा वो क्या क्या, उसके क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे। तो जैसा कि मैंने टॉपिक का शीर्षक लिखा है कि G20 समिट अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस। अब पहला पॉइंट जो है हमारा कि रीजंस फॉर फाउंडेशन, आखिर G20 को गठित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद G20 का स्ट्रक्चर क्या है, उसके ढांचा क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि हर संस्था का एक उद्देश्य होता है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ G20 ग्रुप, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। उसके बाद में G20 के उपलब्धियां, अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, और लास्ट में क्या क्या इसके वीकनेसेस हैं, किन किन बिंदुओं पर इसकी आलोचना की जाती है। इन सारे 5 बिंदु पॉइंट्स पर मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया गया, और यह जो नई आर्थिक व्यवस्था थी उसका सिरमौर कौन था, अमेरिका। क्योंकि आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, तो उसके बाद में कैपिटलिस्ट दुनिया में उसका पूरी तरह से दबदबा कायम हो गया, और उसके बाद ही आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और जापान सरेंडर कर गया। उसके बाद पूंजीपतियों के देश, माने कैपिटलिस्टों के, या जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री थे उनका मुखिया अमेरिका बना, और जो सोशलिस्ट कंट्री थे उसका मुखिया सोवियत यूनियन बना, और इस तरह से वर्ल्ड जो है, विश्व जो है, वो दो भागों में विभाजित हो गया, और उसमें कोल्ड वॉर चलता रहा 1991 तक, जब तक कि सोवियत यूनियन का विघटन नहीं हो गया। तो दोस्तों, पूंजीवादी देशों ने एक नए आर्थिक ढांचा का निर्माण किया, जिसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, और उसका जो आधारभूत जो स्तंभ था वो क्या क्या था, वर्ल्ड बैंक, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बाद में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, और बाद में 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विकसित हो गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण संस्था जो हैं वो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम के आधार हैं, और उसका जो सिरमौर है वो है अमेरिका। तो दोस्तों, अब जो पश्चिमी देश के, खासकर पूंजीवादी देशों के जो पॉलिटिशियन, खासकर के 2 पॉलिटिशियन, जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी लैरी समर्स और दूसरा कनाडा के विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री हुए वहाँ के पॉल मॉर्टिन, और अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स, इनने इस आइडिया को फ्लोट किया। और इस आइडिया को फ्लोट करने के पीछे मकसद क्या था, कि बहुत सारे देशों को, पश्चिमी देशों को यह एहसास हो गया कि जो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम 1945 में शुरू किया गया था,
जिसमें कि वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे इकोनॉमिक संस्था का गठन किया गया था, जिसका मुखिया अमेरिका को बनाया गया। फिर उसके बाद में 1975 में ग्रुप 7 और बाद में ग्रुप 8 रसा को शामिल करने के बाद में, और फिर 2017 में रसा वहाँ से हट गया। तो अभी ग्रुप 7 जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के कंट्री हैं, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इनने ग्रुप 7 का निर्माण किया था 1975 में। और इनका जो बेसिक मकसद था वो था कि इकोनॉमिक और मॉनेटरी मैटर्स के बारे में, जो आर्थिक और मौद्रिक स्थिति है विश्व में, उसके बारे में चर्चा करना, उसका समाधान ढूंढना। लेकिन बाद में रसा को भी इसको इसमें शामिल कर लिया गया, और जब क्रीमिया का वार रसा ने लड़ा तो उसके बाद में उसको इस ग्रुप से हटा दिया गया। तो अभी बेसिकली ये ग्रुप 7 है, 2017 में हटा गया था रसा को। तो दोस्तों, पूंजीवादी देशों ने ये महसूस किया कि जो नई आर्थिक व्यवस्था जो कायम की गई 1945-46 में, और जो 1975 में ग्रुप 7 बनाया गया, उसे काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि अन्य जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हालांकि हैं वो डेवलपिंग कंट्री, लेकिन वो धीरे धीरे विकसित होते जा रहे हैं, अगर उनको अगर शामिल नहीं किया गया तो फिर विश्व की आर्थिक व्यवस्था को, मौद्रिक स्थिति को ठीक ढंग से एड्रेस नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने G20 के निर्माण के बारे में सोचा, और 26 सितंबर 1999 को G20 का गठन किया गया। दोस्तों, शुरुआत के समय में इसमें हर साल अधिवेशन नहीं होता था, इसकी शुरुआत 2008 से हुई, और रोटेशन के क्रम में अब हर साल G20 का समिट होता है, जैसे कि अभी रोम में हुआ, अगले साल इसका अधिवेशन बाली, इंडोनेशिया में होगा, और उसके बाद अगले साल मैंने 2023 में हिंदुस्तान में होगा, और 2024 में ब्राज़ील में होगा। तो इस तरह से रोटेशन के क्रम में हर साल इसका अधिवेशन होता है। दोस्तों, तो जैसे कि मैंने रीजन फॉर फाउंडेशन बताया, दूसरे और क्या क्या कारण थे, पहला तो जैसे मैंने कहा कि इनएबिलिटी टू गिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द वर्ल्ड, जो नई आर्थिक व्यवस्था जो अमेरिका ने अपने नेतृत्व में कायम किया था, जिसका कि जिसमें कि महत्वपूर्ण संस्था अभी वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि जो विश्व की जो वित्तीय जो व्यवस्था है, जो उसकी अस्थायित्व है, उसको हम सही ढंग से उसको एड्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए व्यापक पैमाने पर संगठन बनाने की जरूरत है। इसी बीच में 1994 में पेसो क्राइसिस में मैक्सिको में मुद्रा, उसकी मुद्रा है पेसो, उसमें क्राइसिस हो गया, उसने डिवैल्यूएशन किया, अमेरिका ने बेल आउट करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। उसके बाद में रशियन क्राइसिस, रूस में भी फिनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद में एशियन फिनेंशियल क्राइसिस 1997 में हुआ। तो इस तरह से लगातार क्राइसिस माने वित्तीय संकट विश्व के विभिन्न भागों में होते रहे, और इसी कारण से विश्व के प्रमुख राजनेताओं ने विचार विमर्श करने के बाद में 26 सितंबर 1999 को G20, जिसको ग्रुप 20 कहते हैं, जिसमें कि 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, कुल 20 देश शामिल हैं, का गठन किया। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्ट्रक्चर।
दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो इसका जो ढांचा है उसमें 19 देश शामिल हैं। अभी बताऊंगा मैं कि कौन कौन से देश शामिल हैं। उसके बाद में एक ईयू है, यूरोपियन यूनियन। अब आप लोग जानते होंगे कि यूरोपियन यूनियन क्या है। ये पश्चिमी या यूरोप के देशों का एक समूह है और जो 1993 में इसका गठन किया गया और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, टू प्रमोट पीस, शांति को बढ़ावा देना, स्वतंत्रता को अक्षुण रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होना, जस्टिस माने न्याय को बढ़ावा देना। तो आज जो ईयू की जो स्थिति है कि वो आप एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे देश में जा सकते हैं, बाउंड्री अब कोई मतलब नहीं रह गया, उनका अपना यूरो करेंसी भी है। और इसका जो बेसिक मकसद है वो है कि सोशल जो एक्सक्लूजन है, जो समाज का जो अलगाव है उसको ख़त्म करना और इंक्लूजन को शामिल करना। तो इस तरह से ईयू जो है वो फिनेंशियल कोहेशन, सोशल कोहेशन की बात करता है और ये मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ग्रुपिंग है अभी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इसमें 19 तो देश हैं और एक ईयू हैं जिसमें कि 27 देश शामिल हैं ईयू में। तो आप बेसिकली आप कह सकते हैं कि 27 मतलब 56 देशों का समूह है G20, अगर 27 देश को भी जोड़ दें तो। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट क्या है, नो लेजिस्लेटिव बॉडी। जैसे कि ईयू में लेजिस्लेटिव बॉडी है, यहां पर G20 में कोई विधायिका नहीं है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है कि ये 3 देशों का समूह होता है। जैसे कि इसमें ये विधान बनाया गया है कि जहां पर समिट होगा वो देश के शासनाध्यक्ष आने वाले अगले साल जहां पर मीटिंग होगी, मान लीजिए अगले साल इंडोनेशिया बाली में होगा, तो वहां के शासनाध्यक्ष और प्रिसीडिंग मतलब इसके पहले रियाद सऊदी अरबिया में सम्मेलन नहीं हो पाया था, वर्चुअल सम्मेलन हो पाया था COVID-19 के कारण से, तो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजिंग कंट्री, प्रिसीडिंग कंट्री एंड सक्सीडिंग कंट्री, ये तीनों का समूह पूरे एक साल तक G20 के बारे में निर्णय लेने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो साल अभी तो समिट हुआ, उसके बाद जो अगला साल होगा, इस मध्य में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो तीनों कंट्री के द्वारा लिए जाएंगे और यही विधान हमेशा चलता रहा है। दोस्तों, G20 क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर ये G20 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 90% जो है वो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का 90% जो है वो हिस्सेदारी इस G20 कंट्री के पास में है। दूसरा, 80% वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड पर इनका कब्जा है। उसके बाद में 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व के 2/3 आबादी इस G20 ग्रुप में शामिल है। विश्व के आधे भूभाग पर इसका कब्जा है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर UNO, संयुक्त राष्ट्र के बाद में अगर सबसे ज़्यादा कोई ताकतवर या सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो ताकतवर जो ग्रुपिंग है जो वो G20 है और भारत इसका हिस्सा है। अभी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसमें मेंबर्स कौन कौन हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, एब्रिविएशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कनाडा, फ्रांस,
जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रसा, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ये कुल 20 मतलब 19 देश और यूरोपियन यूनियन में एक रीजनल जो ग्रुपिंग है यूरोपियन यूनियन, ये कुल मिलाकर के 19 देश और यूरोपियन यूनियन का समूह है, ये इसके मेंबर हैं। दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? शुरू में इसके ऑब्जेक्टिव थे कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी अमोंग सॉवरन स्टेट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके फाउंडेशन के जो कारण थे वो क्या था कि विश्व में अलग अलग भागों में फाइनेंशियल क्राइसिस होता रहा और अमेरिका या वर्ल्ड बैंक या और दूसरे जो ग्रुपिंग हैं या यूएनओ उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए पहला जो इसका उद्देश्य हुआ वो यह था कि विश्व के विभिन्न देशों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, माइग्रेशन, एक देश से दूसरे देश लोग विभिन्न कारणों से जाते हैं, हो सकता है कहीं तख्ता पलट हो जाता है तो लोग वहाँ से भागते हैं, दूसरे देश में जाकर शरण लेते हैं, या ये भी हो सकता है कि कहीं पर अगर लोगों को लगता है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अच्छी सुविधा है तो वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर माइग्रेशन, तो उसको भी एड्रेस करना है। तीसरा, डिजिटाइजेशन, आजकल का दुनिया डिजिटाइजेशन का है तो उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना है, रोजगारी की समस्या। इसके बाद में एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर इसका विशेष रूप से जोर है, और डेवलपमेंट ऑफ एड, जो विभिन्न देश विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं तो उनके बारे में उनको किस तरह से उनको सहायता करें, उनको कैसे एड दें, ग्रांट दें, इसको देखना। उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी आज की समस्या क्या है, फूड सिक्योरिटी। तो खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, और इसके अलावा जो विभिन्न देशों के बीच में जो ट्रेड वार होते रहते हैं, जो कोई देश एम्बार्गो लगा देता है, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उसको, हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी यही काम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ट्रेड वार को रोकने का, टू मिटिगेट, टू रिड्यूस ट्रेड वार, माने दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो झगड़े फसाद होते हैं व्यापार को लेकर के, उसको नियंत्रित करने का काम। और इसके अलावा टैक्स को रिशेड्यूल करना, जो विभिन्न देशों के हो जो या मल्टीनेशनल कंपनी, उनके जो टैक्स हैं उसको रिशेड्यूल करने का काम भी इसका उद्देश्य है। और अगला, कोविड वैक्सीन, आप जानते हैं कि 2019 के बाद में जो कोविड-19 है वो पैंडेमिक हो गया है, पूरे विश्वव्यापी हो गया है, उससे कैसे फाइट किया जाए, ये भी इसके एजेंडा में शामिल है। और लास्ट में ग्लोबल इकोनॉमी, विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, ये सारे इम्पॉर्टेंट एजेंडा जो है वो G20 का है। दोस्तों G20 को गठित करने का मुख्य मकसद क्या है, अगर आपसे एक लाइन में कहा जाए तो मुख्य मकसद ये है कि मल्टीलेटरलिज्म नॉट बायलेटरलिज्म इज द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड। मल्टीलेटरलिज्म मतलब बहुपक्षीय, बायलेटरलिज्म मतलब द्विपक्षीय। तो आज के जमाने का, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यह राजनेताओं में निश्चित विचार उत्पन्न हुआ कि अगर हम विश्व के समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो उसका जो निदान है वो मल्टीलेटरलिज्म
माने बहुपक्षवाद के द्वारा ही संभव हो सकेगा, बायलेटरलिज्म के द्वारा नहीं होगा, दो पक्षों के द्वारा, माने एक देश दूसरे देशों के साथ संधि करेगा और समस्या का निदान करेगा, यह ऐसा संभव नहीं है। इसमें कंपटीशन बढ़ते हैं, एक्सप्लाइटेशन बढ़ता है और फिर वार की तरफ, बैटल की तरफ एक देश दूसरे देश के पीछे पड़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और इससे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न होता है। तो मल्टीलेटरलिज्म मतलब बहुपक्षीयवाद ही समस्या का निदान है और G20 का जो गठन हुआ है वो इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षवाद का। दोस्तों अब मैं आगे का पॉइंट आपको बताता हूं कि इसके क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। तो जैसा कि अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ 30 और 31 तारीख को, तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला, सभी देशों ने यह निर्णय लिया कि जो भी कंपनीज प्रॉफिट कमाती है उस पर 15% टैक्स लगाया जाए। अब दोस्तों जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे अमेजन कंपनी है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, जो विभिन्न देशों में संचालित होते हैं, उनको मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, MNCs के बारे में मैं कभी अलग से क्लास लूँगा। तो ये कंपनियां जो है वो ऐसी जगह को ढूंढती है जहां पर टैक्स हेवन हो, माने जहां पर टैक्स होलीडे हो, माने बहुत कम टैक्स लगता हो और मैक्सिमम उनको मुनाफा होता हो। तो इससे क्या होता है, इससे देश विभिन्न देशों की आर्थिक स्थितियां कमजोर होती हैं। तो अभी G20 के देशों ने, राजनेताओं ने निर्णय लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा कंपनियों के द्वारा जो कमाएंगे उसका 15% टैक्स के रूप में देना होगा। तो 15% टैक्स तो जो भी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट कमा रही है, चाहे वो MNC हो या डोमेस्टिक कंपनी हो, सभी को 15% टैक्स देना होगा। दोस्तों इसका फायदा क्या होगा, अब ये कैलकुलेशन किया गया कि $60 बिलियन तो अमेरिका को ही मिल जाएगा और वो उससे सोशल सिक्योरिटी, दूसरे जो अन्य जो एजेंडा G20 ने फिक्स किए हैं, फूड सिक्योरिटी, ये बहुत सारे जनता के कल्याणार्थ काम कर सकती है, बहुत सारे देशों को बहुत पैसे मिलेंगे और उन पैसों से जो आम जनता है उनके तकलीफों को निराकरण करने के लिए सरकारों के पास पैसे होंगे तो उनको लगाया जा सकता है। तो पहला तो निर्णय इन्होंने ये किया कि 15% टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, वेदर इट इज मल्टीनेशनल कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी, दैट इज इमटेरियल। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट जहां तक क्लाइमेट चेंज, दोस्तों G20 के सभी मेंबरों ने निर्णय लिया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारे विश्व की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, तो उसको जो प्री इंडस्ट्रियल फेज में, जब औद्योगिकरण शुरू नहीं हुआ था विश्व में, उस समय में जो तापमान था, जो टेम्परेचर था, उसे सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही उसको लिमिट रखा जाए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने पावे। अब दोस्तों आप जानते हैं
किसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन इमिशन है उसको रोकना पड़ेगा। और ये G20 के जो देश हैं वो 75% जो कार्बन इमिशन होता है वर्ल्ड में वो ये G20 देश ही इमिशन कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने अगला पॉइंट ये कहा कि जो डर्टी कोल प्लांट्स हैं, जो अवैध उत्खनन होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी आप देखेंगे चाइना में 50% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, जो बिजली का उत्पादन होता है, उसमें कोल बेस्ड जनरेशन हो रहा है। सबसे ज़्यादा चाइना कोल का, कोयला का उपयोग कर रहा है और इससे सबसे ज़्यादा इमिशन हो रहा है अमेरिका के बाद में। तो जो अभी जो G20 के देश के नेताओं ने निर्णय लिया है कि स्टॉप फंडिंग न्यू डर्टी कोल प्लांट्स अब्रॉड बाय 2021 2021 के ख़त्म होने तक किसी प्रकार का कोई फंडिंग कोल या कोयला के उत्खनन के लिए, उसके विकास के लिए उसको नहीं किया जाए। मतलब कहने का आशय यह है कि उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाए। अगला पॉइंट क्या है कि 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया जाए फॉर असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज, सो दैट कि वो क्लाइमेट एडॉप्शन करेंगे, जो निर्णय हो रहा है कार्बन कम से कम इमिट करने की कोशिश करेंगे, तो उनका जो लॉस होगा उसकी भरपाई के लिए 100 बिलियन डॉलर उगाही करना है और इन डेवलपिंग या विकासशील देशों को देना है, ताकि उनका जो सोशल सिस्टम है वो चरमरा नहीं जाए, आर्थिक सिस्टम जो है ना बिगड़ नहीं जाए। तो सहायतार्थ 100 बिलियन डॉलर की व्यवस्था की जाएगी और इसके अलावा 650 मिलियन डॉलर ये IMF के द्वारा 650 बिलियन डॉलर जो है वो IMF के माने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज किए जाएंगे बाय वे ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिसको SDR कहते हैं, ताकि जो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए जो विभिन्न देश प्रयासरत हैं और उनको जो नुकसान होगा क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का उत्पाद उपयोग नहीं कर पाएंगे, अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो कार्बन भी इमिट करेगा, तो उसकी भरपाई के लिए ये फंड की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा G20 के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति बढ़ रहा है खासकर COVID-19 के बाद में विभिन्न देशों में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे देश में भी बढ़ रही है, दूसरे देश में भी बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है, मैंने एक देश का सामान दूसरे देश में जो पहुँचता है उसको बिना रुकावट के, विदाउट डिसरप्शन, उसको कैसे उसको सुचारू ढंग से चलाया जाए, ताकि अगर एक देश से दूसरे देश में अगर सामान का आवाजाही रहेगा तो फिर महंगाई भी कम होगी। तो सप्लाई चेन को दुरुस्त करना, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन अभी G20 के नेताओं ने लिया कि इस साल तक 40% बाय द एंड ऑफ दिस 2021 कि 40% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए और 70% लोगों को अगले साल के मध्य तक वैक्सीनेट करने का इन्होंने एक टारगेट रखा है। और अगर डेवलपिंग विकासशील देश या कमज़ोर देशों को अगर उनको संसाधन की कमी पड़ती है तो उनको ज़रूरी मदद मुहैया कराई जाए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो है वो निर्णय G20 के नेताओं ने लिया। और लास्ट में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने एक समझौता किया जिसमें कि उन्होंने जो स्टील और अल्मीनियम पर जो टेरिफ, जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाया था खास करके ट्रंप के रिजिम में,
उसको रोल बैक किया, मैंने उसको वापस ले लिया गया है। और उसी तरह से रिटेलिएशन में बदले की भावना में जो ईयू ने किया था, उन्होंने भी टैरिफ बढ़ाया था, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो दो आर्थिक महाशक्ति हैं उनके बीच में भी एग्रीमेंट हुआ है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ G20 एट रोम। अब दोस्तों सबसे लास्ट में हमारा पॉइंट रहेगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में क्या क्या है? पहला, बहुत सारे जो क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि G20 का जो गठन किया गया है वो यूएनओ के जो लेजिटिमेसी है, जो वैधता है, उसको वो चुनौती दे रहा है। क्यों? कि ये G20 जो देश हैं, आपको मैंने अभी बताया कि ये 90% वर्ल्ड ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट में इनकी हिस्सेदारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जबरदस्त आर्थिक शक्ति हैं। पॉपुलेशन में 2/3 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, विश्व का 80% व्यापार पर उनका कब्जा है। तो बहुत सारे जो आलोचक हैं उनका यह कहना है कि यह यूएनओ के लेजिटिमेसी पर, माने वैधता पर एक तमाचा है। दूसरा, जो इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने में यह G20 समूह सफल नहीं हो पाया है। जैसे कि विभिन्न देशों के बीच में या विभिन्न देशों के लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी, जो असमानता है, उस असमानता को पाटने में ये नाकाम रहा है। जैसे हमारे देश में नीति निर्देशक सिद्धांत में धारा 39(b) और (c) में कहा गया है कि असमानता को दूर किया जाएगा, लेकिन पिछले 70-75 साल में हम क्या देखते हैं कि हालांकि विकास हुआ है लेकिन असमानता भी बढ़ा है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का संग्रहण भी बढ़ा है। उसी तरह से विश्व में भी बहुत सारी MNCs कंपनी पैदा हो गई हैं और इनके जो बजट हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे देशों से बहुत ज़्यादा हैं। अपने आप में अंपायर हो गए हैं, इंपायर हो गए हैं, साम्राज्य। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि मोनोपोली जो है वो बढ़ता जा रहा है आर्थिक क्षेत्र में। और दोस्तों अगर मोनोपोली बढ़ेगा तो इसका रिजल्ट क्या होता है? नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशवाद, जिसमें कि एक MNC कंपनी दूसरे देश में इनडायरेक्टली उसके सत्ता पर भी पीछे से कंट्रोल करती है। तो आर्थिक रूप में तो उसको पंगु बना ही देती है, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो पीछे से उसके डोर उसके हाथ में होते हैं। और ये उपनिवेशवाद से भी बहुत ज़्यादा घातक है, इसे हमें बचना चाहिए। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है कि इसमें अफ्रीकन देशों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। जैसे कि अभी आपको मैंने 20 देशों का समूह बताया, उनके नाम लिखे, तो केवल एक साउथ अफ्रीका है जो मेंबर है, जबकि अफ्रीका एक विशाल महादेश है। तो वहाँ पर केवल उसको छोड़कर दूसरे किसी भी देश को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। तीसरा, नॉर्वे के भूतपूर्व जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है जोनास गेहर स्टोर,
इनका कहना है जोनास गैर स्टोर कि नॉर्वे को जानबूझ करके छोड़ दिया गया है। नॉर्वे ना तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और ना ही वो G20 का सदस्य, जबकि वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, लेकिन फिर भी उसे G20 का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो इस तरह से नॉर्वे के साथ में अन्याय किया गया है, ये उनका कहना है। और इसी तरह से बहुत सारे जो विकसित देश हैं उसको भी इस समूह में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि G20 देशों के समूह के द्वारा 75% से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किए जाते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन अभी 2015 से लेकर 2021 तक हम क्या देखते हैं, G20 देशों ने यह निर्णय लिया था कि हम धीरे धीरे सब्सिडीज को फेज आउट करेंगे, कम करेंगे, कार्बन इमिशन भी कम करेंगे, लेकिन हो रहा उल्टा। और उल्टा क्या हो रहा है कि 2015 से लेकर 2023 के बीच में इस G20 समूह के देशों ने 3.3 ट्रिलियन माने 3.3 खरब डॉलर सब्सिडी के रूप में दिया है। और चाइना तो जितना वो बिजली उत्पादन करता है उसमें आधे से ज़्यादा उसका कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन का कारण है। तो हम क्या देखते हैं कि जो कथनी है और जो करनी है दोनों में बहुत बड़ा गैप है। एक तरह तो आप कहते हैं कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, हम सब्सिडीज पर लगाम लगाएंगे, और दूसरी तरफ 6 साल के दरमियान आपने 3.3 खरब अमेरिकन डॉलर आपने सब्सिडी दिया है। चाइना जो है वो कोयला को नहीं छोड़ पा रहा है, कोयला से आधे से ज़्यादा बिजली का उत्पादन उसके यहाँ हो रहा है, जो सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारक है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, और वर्ल्ड कम्युनिटी भी उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो जो उद्देश्य जो आज की अभी जो रोम में जो अधिवेशन हुआ, ये 16वां अधिवेशन था, और इसका जो मुख्य जो नारा था वो आपको याद रखना है, और नारा क्या था, पीपुल। प्लैनेट। ये 3 नारा दिया गया था, पीपुल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, इन सब बिंदुओं पर आलोचकों का ये कहना है कि जो जिस मकसद से इसको बनाया गया था उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो रहा। हालांकि एक अच्छा कदम है, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट नेताओं को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, चर्चा करने का मौका मिलता है, लेकिन जो इसका जो बृहद जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में ये अभी तक समर्थ नहीं हो पाए। हालांकि बहुत सारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस इसके गठन से पहले होते रहे हैं उस पर बहुत हद तक इस संगठन ने नियंत्रण पाया है, तो ये कम उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसे और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि अभी मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है जो G20 ने अपना उद्देश्य स्थापित किया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा विकास जो अवरुद्ध नहीं होने पाए, अगर थोड़ा सा भी सेटबैक होता है तो उसमें रिजिलियंस कैपेसिटी इतना होना चाहिए कि वो फिर अपने आप उठ खड़ा हो और लगातार विकास होते रहे समाज में देश में। जैसा कि 2008 में रिसेशन हो गया था, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया था, लेकिन हिंदुस्तान में इस प्रकार से ज़बरदस्त बैंकिंग सिस्टम बनाई गई है कि उन्होंने रिसेशन से वो अफेक्टेड नहीं हुआ हमारी इकोनॉमी, और इकोनॉमी पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि इन स्पाइट ऑफ टेम्प्रोरी सेटबैक इकोनॉमी इज इन द पोजिशन टू बाउंस बैक, इट हैज द रिजिलियंस फीचर कैपेसिटी। तो दोस्तों, अब मैं एक लाइन और इस अपने उद्बोधन को समाप्त करना चाहता हूँ कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जिसको कहते हैं, उसने 17 बिंदु चिन्हित किया है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भाग हैं। और ये क्या है कि नो पॉवर्टी, किसी प्रकार से गरीबी नहीं हो, जीरो हंगर, वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य पर ध्यान, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, माने जैसे मैंने कहा अभी असमानता को कम करना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर क्यों? क्योंकि जो समुद्र के नीचे जो जीव जंतु रहते हैं, पौधे उगते हैं, जंगल है, तो वो हमारे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। तो अगर वहाँ पर डैमेज होगा लाइफ बिलो वाटर, तो हमारा क्लाइमेट भी इफेक्टिव होगा। लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पर्सन पार्टिसिपेशन टू अचीव गोल, ये 17 जो है इंपॉर्टेंट टारगेट उन्होंने फिक्स किया है। दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हालांकि ये इसका भाग नहीं था, लेकिन चूंकि ग्रुप 20 का जो उद्देश्य है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 कंपोनेंट है जो UNDP ने निर्धारित किया, वो मैंने आपके सामने रखा है।